सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने फर्स्ट डे एंटर करने वाले हो कॉलेज के अंदर, आपकी कॉलेज लाइफ का फर्स्ट डे होने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ फर्स्ट डे से रिलेटेड। और देखिए, मान लीजिए अगर फिलहाल 12th क्लास के अंदर भी हो और नेक्स्ट ईयर आप एडमिशन लोगे, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, मजा आपको काफी आने वाला है। और देखिए, जब वीडियो खत्म होगी तो आपको सच में रियलाइज होगा कि हाँ यार, ये जो टिप्स दी थी ना, काफी सही हमारे लिए रही और काफी मजा भी मतलब आपको सुनने में आएगा, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहली जो आपके लिए टिप रहेगी वो यही है कि भाई नए लोगों से मिलो। आप जब फर्स्ट डे एंटर करोगे तो सारे के सारे नए लोग ही आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए, मान लीजिए जैसे कि आप जब नए लोगों से मिलोगे तो आपको लगा कि यार, ये तो सारे के सारे नए शहर हैं, स्कूल के सारे के सारे चेहरे हमारे अलग थे, कोई दूसरा इंसान होगा उसको भी सेम इसी तरह से लगेगा। तो सभी लोग सबसे पहली बार ही मिल रहे होंगे, तो आप एक काम करना, सबसे मिलना, पूछना, और भाई क्या हालचाल, कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो। अब पहले दिन ना मतलब यही पूछते रहना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप नए लोगों से मिलोगे, नए दोस्ती आपकी होगी, इसके अलावा नए लोगों के कल्चर को आप जानोगे, लैंग्वेज को आप जानोगे, टेस्ट को आप जानोगे, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। हम देखिए अक्सर एक परसेप्शन बना लेते हैं कि भाई उस स्टेट के लोग इस तरह के होंगे या फिर उस स्टेट के लोग इस तरह से होंगे, लेकिन जब आप रियल में लोगों से बात करोगे तो आपकी जो परसेप्शन होगी पहले वाली वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और जो आपकी नई परसेप्शन लोगों के लिए वो आपकी एक डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए जैसे कि आप एक हरियाणा के स्टूडेंट हो, अब हरियाणा से अगर आप हो, आपकी क्लास में भाई कोई नॉर्थ ईस्टर्न पढ़ रहा है, कोई साउथ इंडियन पढ़ रहा है, तो आप उनके बारे में जो फिलहाल तक सोचते थे, जब आप उनसे बात करोगे तो यार बात करने के बाद आपकी जो परसेप्शन बनेगी वो बिल्कुल अलग होगी, जो बिल्कुल सही परसेप्शन होगी। तो इसलिए आप लोगों से बात करना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए जैसे कि भाई आप खुद एक नॉर्थ ईस्टर्न हो या फिर आप एक साउथ इंडियन हो और आप हरियाणा के लोगों के बारे में कुछ और सोचते हो कि यार, ये लोग तो मतलब लड़ाई झगड़ाई करते रहते हैं सारा दिन, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे तो पता चला कि यार ना, ये लोग मतलब थोड़े दिल के भी खुश इंसान होते हैं, ठीक है। मैं भी हरियाणा से हूँ। तो जो परसेप्शन है यार वो ना चेंज होनी आपकी शुरू हो जाती है। जब हम लोगों से कुछ कुछ बातें सुनते हैं लोगों के बारे में तो हमारी एक परसेप्शन बनती है, लेकिन जब हम रियल में लोगों से मिलते हैं तो हमारी एक अलग परसेप्शन बनती है, राइट। तो लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, और यही आप फर्स्ट डे अगर करोगे तो भाई काफी ज्यादा सही रहेगा। मान लीजिए आप फर्स्ट डे जा रहे हो और आप आराम से बैठ गए भाई क्लास के अंदर, चुपचाप बैठे हुए हो और सीधा अपने रूम पे वापस आ जाते हो, कुछ आपने किया नहीं, किसी से आपने बात नहीं की, तो फर्स्ट डे ना आपका कभी भी आपको याद नहीं रहने वाला कि मेरा फर्स्ट डे कैसा था। लेकिन जब आप लोगों से बात करोगे ना तो आपको काफी मजा आएगा। हम मानता हूँ कि यार काफी सारे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बात कर ही लेते हैं, काफी सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो सोचते हैं बात करूं या फिर नहीं करूं, लेकिन मुझे लगता है यार, चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हो चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, एटलीस्ट अपने क्लासमेट से तो आप बात कर ही सकते हो यार, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना। चलो क्लासमेट से बाहर से आप, हो सकता है फर्स्ट डे आप बात ना कर पाओ, लेकिन क्लासमेट से तो आप एटलीस्ट बात करो, सभी से जितने क्लासमेट्स हैं। और फर्स्ट डे बेसिकली इसी तरह से होता है कि यार आपसे ना एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है और आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे बात करते हो, लेकिन आप कोशिश जरूर जरूर करना कि भाई आप चुप तो बिल्कुल मत बैठना, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है फर्स्ट डे। इसके अलावा देखिए, जो सेकंड आपके लिए टिप रहेगी वो ये है कि अपने कैंपस को, अपने कॉलेज को एक्सप्लोर करना। अब मान लीजिए आप नॉर्थ कैंपस के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, साउथ कैंपस के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, दिल्ली सिटी के बाहर भी किसी सिटी के अंदर मान लीजिए अगर आप है, तो भाई अपना जो कैंपस है उसको आप एक्सप्लोर जरूर जरूर करना। सिर्फ रूम के अंदर ही फर्स्ट डे मत निकालना, कैंपस के अंदर घूमना, सड़कों पे घूमना, इसके अलावा भाई आपका जो कॉलेज है उसको देखना, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना, लाइब्रेरी किस तरह की है, आपके लैब्स किस तरह के हैं, आपके क्लासरूम्स किस तरह के हैं, कैंटीन किस तरह की है। तो जितनी भी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसको आप जरूर जरूर एक्सप्लोर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना, कैंपस को एक्सप्लोर करना, और काफ़ी ज़्यादा सही आपके लिए फर्स्ट डे होने वाला है। वरना फिर आप घर वालों को याद ही करते जाओगे, यार घर पे सही था यार, मम्मी खाना बना देती थी यार, स्कूल के दोस्त काफ़ी सही थे यार, तो इस तरह से रोना नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मस्ट चिल वाइब्स के साथ आपको जाना है भाई कॉलेज के अंदर, और आपको नए दोस्तों से मिलना है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, कैंपस को एक्सप्लोर करना है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और हमारे पास ना बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ एक चीज़ और सुन लीजिए आप इससे पहले कि अगर फिलहाल आप 12th क्लास के अंदर हो और आने वाले टाइम के अंदर आप CUET देने वाले हैं, तो भाई हम लोग CUET की भी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है व्हाट्सएप पर और आप भी अपनी आज से ही CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलो प्रमोशन काफी हो गया, अब हम वापस से आ जाते हैं। और हाँ, काफी प्रमोशन की तो बात अगर मैं करूँ तो काफी बढ़िया कोर्स है, ठीक है। सो चलो हम वापस से आ जाते हैं भाई हमारे टॉपिक पर ही। तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टेप की, तो देखो फर्स्ट डे जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपको ना बहुत सारे ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपको बोलने वाले हैं कि कोई भी दिक्कत हो भाई को बता दियो। तो भाई आप सोचोगे यार, हाँ यार ये सीनियर्स तो काफी ज्यादा बढ़िया हैं, बोल रहे हैं कि कोई भी दिक्कत हो भाई को बता दियो, कोई भी दिक्कत हो भाई को बता दियो, लेकिन जब भी रियल में आपको दिक्कत आएगी ना, तो वो भाई आपको कहीं पर भी नहीं दिखने वाला है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये मत सोचना कि अगर किसी ने बोल दिया कोई भी दिक्कत हो भाई को बता दियो, तो इसका मतलब ये कि यार वो बंदा आपके साथ रहने वाला है। वो बेसिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। बहुत सारी अलग अलग पार्टीज है भाई, NSUI है, ABVP हो गया, या फिर और भी बहुत सारी पार्टीज है, जितनी भी पार्टीज है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि यार कोई भी दिक्कत हो भाई को बता दीजिए, इसका मतलब ये है कि वो कुछ दिनों के बाद ही आपसे इलेक्शंस के लिए वोट मांगने वाला है और कुछ दिनों के बाद ही आपके पीछे पड़ जाने वाला है वो, ठीक है।
तो इसलिए अगर कोई इंसान ये बोलता है कि कोई भी दिक्कत हो भाई को बता दे, तो उससे थोड़ा सा बच के लिए आपको रहना है, और कोई भी दिक्कत उस भाई को तो बिल्कुल भी नहीं बतानी है, ठीक है। सो ये इस चीज़ का मतलब काफी ज्यादा ध्यान रखना आप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हमें फर्स्ट डे पर कुछ शॉपिंग करनी चाहिए फर्स्ट डे के लिए, या कॉलेज लाइफ के लिए कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। तो देखो, मैंने पहले भी बहुत दो एक साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी क्या क्या चीज़ आपको शॉपिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं रियलिटी में आपको बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली फर्स्ट डे पर सिर्फ नोट रफ नोटबुक एंड अपना एक पेन जो है वो लेकर के जाते हैं बैग के अंदर, और यही आपके लिए सफिशियंट होता है फर्स्ट डे पर। ऐसा कुछ नहीं है आपको फर्स्ट डे पर ये सारी सारी किताबें आपको लेके जानी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट डे पर आप सिंपली आपकी रफ नोटबुक एंड पेन ले जाओ, धीरे धीरे टीचर्स आपको बताएंगे कौन कौन से बुक्स आपको परचेस करनी है, आपको पता चलेगा सिलेबस वगैरह से पता चलेगा। तो ऐसा मत करना कि भाई अपने आप ही परसेप्शन के हिसाब से कोई बुक परचेस कर लो, आप सिर्फ रफ नोटबुक एंड पेन लेकर के जाओ। और मुझे लगा कि यार एक दो हफ्ते तक तो आपको सिर्फ यही लेके जाना है, बाद में धीरे धीरे आपको बुक्स परचेज करनी है। और फर्स्ट डे पर ऐसी कोई ऐसा पढ़ाई नहीं होने वाली है कि आप सोचोगे कि यार फर्स्ट डे से हमारा सिलेबस कवर होना शुरू हो जाएगा। कोई भी टीचर आपका फर्स्ट डे से आपकी पढ़ाई शुरू नहीं करवाएगा, ये मैं आपको लिख करके दे देता हूँ। और खासकर दिल्ली सिटी के अंदर आप ये लगा के चलोगे 15-20 दिन तक आपके ना मतलब सीरियस वाली पढ़ाई आपकी शुरू नहीं होगी, क्योंकि अभी तो आपके देखो अलग अलग राउंड्स आएंगे स्पोर्ट आपके, जो फिर लास्ट में वैकेंट राउंड भी आएगा स्पोर्ट राउंड वगैरह। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो फाइनल एडमिशन जो सेटल्ड हो जाएंगे आपके वो लगभग लगभग भाई आपके काफी दिनों के बाद होने वाले हैं। तो उसके बाद ही आप सोच रहे चलिए भाई आपकी जो सीरियस पढ़ाई है वो आपकी शुरू होने वाली है, फर्स्ट डे से बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो इस तरह मत सोचना कि यार फर्स्ट डे से भाई बहुत कुछ हो जाएगा। और हाँ, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट डे कॉलेज के अंदर नहीं जा पा रहे हो अपने शहर से, तो ज्यादा टेंशन भी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अगेन वही बात है कि फर्स्ट डे से कुछ ऐसा आपकी पढ़ाई शुरू नहीं होने वाली, ठीक है। तो रफ नोटबुक एंड आपका जो पेन है वही आपके लिए सफिशियंट है, ऐसा कुछ आपको मतलब शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, नए कपड़े अगर आपको खरीदने आप खरीद सकते हो कॉलेज के अंदर, वैसे भी देखो कोई कपड़े वपड़े इस तरह से नहीं होता है कि आपके कोई ड्रेस कोड हो ऐसा कुछ हो, तो आप मस्त अपने कपड़े वपड़े खरीद सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगेन मैं हर बार आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि यार नेटवर्क मार्केटिंग के लोग भी आपको मिलेंगे, फर्स्ट डे तो शायद नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर वो लोग आपको कहेंगे कि भाई क्या आप कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, क्या आप अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, क्या आप भी BMW खरीदना चाहते हो, क्या आप भी मर्सिडीज खरीदना चाहते हो। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो सिर्फ तीन लोगों को अपने नीचे लगा लेना है तो भाई उन लोगों से बच के रहना है। फर्स्ट डे हो सकता है शायद आपको ना मिले, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और वो लोग कोई बाहर के लोग नहीं होंगे, हो सकता है आपके सीनियर्स ही हो, वो खुद इस चीज़ के अंदर फंस चुके हैं और उन्हें तीन लोगों को ऐड करना है, तो आप लोगों को फंसाने की कोशिश करेंगे, फिर आप अपना पैसा रिकवर करने के लिए तीन लोगों को और फंसाने की कोशिश करोगे। तो भाई इन लोगों से ना बच करके रहना है। अगर आपको इंटर्नशिप करनी है, अगर भाई आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, अगर आपको फुल टाइम जॉब करनी कैसे भी करनी है, तो रियल दुनिया के अंदर उसे ढूंढो, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर MLM के अंदर मत ढूंढना, उसको रियल लाइफ में ढूंढना भाई, जो वेबसाइट से बड़ी बड़ी वहां पर सर्च करो, उनको मेल्स करो, तो ये एक रियल प्रोसेसर होता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से थोड़ा सा बच करके रहना। आई होप आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब आपको लोग मिलेंगे इस तरह के, तब आपके माइंड में ये चीज़ हिट होगी कि यार मैंने क्या बोला था। तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। एंड लास्ट में बस एक ही चीज़ है भाई कि बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ हो सकता है यार नए लोगों से दोस्ती करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको लग रहा हो कि यार मैं किसी से दोस्ती नहीं करूँगा, मैं उसे पढ़ाई करने आया हूँ या करने आई हूँ। अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज़ हमारे पास, अलग अलग तरह की, राइट। लेकिन जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी रख सकते हो यार तीन साल के अंदर, जितना आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, ठीक है। 12th क्लास के अंदर ना मुझे वैसा लगता था कि यार ना मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ। उस वक्त मैं पार्टिसिपेट करता था अलग अलग चीज़ों के अंदर, पोएट्री के अंदर, डिबेटिंग के अंदर, और इतने सारे सर्टिफिकेट्स एंड इतने सारे ट्रॉफीज वगैरह थी, तो मुझे लगता था कि यार मुझे ना सब कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन रियल में ना मुझे कुछ नहीं पता था, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ था। तो अगर आपको भी लगता है कि यार आपको सब कुछ पता है 12th क्लास के अंदर, तो आप भी सबसे बड़े बेवकूफ हो। कॉलेज के अंदर जाओ, पॉजिटिविटी के साथ जाओ, और नए लोगों से मिलो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, तभी आपको ना मतलब रियल कॉलेज लाइफ का मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है यार एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से भी बहुत ज़्यादा जरूरी और भी चीज़ें हैं कॉलेज लाइफ के अंदर, जिसको आपको एक्सप्लोर करना ही करना चाहिए, ठीक है। सो बस यही था आज की वीडियो के लिए, और अगर आपको वीडियो सही लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर फिलहाल आप 12th क्लास के अंदर हो, आने वाले टाइम के अंदर आप CUT देने वाले हैं, अपने ड्रीम कॉलेज को चेज करने वाले हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। CUT के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस वहां पर सेंड कर देंगे। और हाँ, अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फिलहाल वाले, वो भी भाई टॉप कॉलेज के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, चाहे फिर वो मिरांडा हाउस हो, लेडी श्रीराम हो, हिंदू हो, हंसराज हो, जितने भी टॉप कॉलेज है भाई हमारे स्टूडेंट्स सभी में सेलेक्ट हुए हैं। तो आप हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, हमारे कोर्सेज के बारे में भी जान सकते हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, डेमो वीडियोज मिल जाएगी, सिर्फ व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।